हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट्स के बारे में, जो लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, किसको हम बोलेंगे फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, किसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, और क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, यदि दो लॉजिक गेट्स के कम्बिनेशन का क्या होगा। सो इस टाइप का मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा और इसके बेस्ड कुछ मैं कम्बिनेशनल सर्किट्स लूँगा, कम्बिनेशनल ग्राफ्स लूँगा और जो बेसिक गेट्स है उनका ट्रूथ टेबल लिखूँगा। सो दिस इज द सेमीकंडक्टर्स। इसके अंदर मैं एक लॉजिक गेट्स लिया हूँ, बहुत ही इजी है। सो बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल और फंडामेंटल लॉजिक गेट्स इसको बोलते हैं। सो लॉजिक गेट्स, थ्री टाइप्स के। अब कौन कौन होंगे ये थ्री टाइप्स के? तो फर्स्ट में हमारा होता है एंड गेट, सेकेंड होता है हमारे पास और गेट, और थर्ड होता है हमारे पास नैंड गेट। ये तीन टाइप्स के गेट होंगे, एंड गेट और नैंड गेट। इसको हम इसलिए फंडामेंटल गेट्स बोलते हैं कि इसके या यूनिवर्सल गेट बोलते हैं क्योंकि इन तीनों के अलावा, इन तीनों से मैं बहुत सारा गेट्स बना सकता हूं इन तीनों को यूज करके। सो जो एंड गेट होता है ये इस तरह से दिखते हैं, दो इनपुट ए बी, आउटपुट होंगे ए इंटू बी। आउटपुट क्या होंगे? ए इंटू बी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका ट्रूथ टेबल बनाना। इसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है ए इंटू बी। अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये जो ए इंटू बी है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए इंटू बी। ए जीरो, बी जीरो, तो जीरो। जीरो का मतलब है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, क्योंकि ये डिजिटल सर्किट्स है, यहां पे सिर्फ हम लोग बात करेंगे जीरो और वन में। सो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो इंटू वन जीरो, वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन वन, वन इंटू वन वन। मीन्स जब दोनों ही ऑन रहेंगे वन और वन तो हमारा जो बल्ब है वो जलेगा, दैट इज द आउटपुट। यदि इन दोनों में से कोई भी ऑफ है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। सो इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। अब ये दो इनपुट था तो यहां पे देखिए वन टू थ्री फोर, फोर कॉम्बिनेशन बना। इसका मतलब दो इनपुट टू टू दी पावर टू कितने हो जाएंगे? फोर। यदि तीन इनपुट लगे होते तो होता टू का क्यूब एट। ये हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो इंटू वन जीरो, वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन वन, वन इंटू वन वन। नेक्स्ट इज और गेट, और गेट, और गेट में देखिए क्या होगा, ये हमारा ए, ये हमारा बी, आउटपुट हमारा ए प्लस बी, आउटपुट हमारा ए प्लस बी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये हमारा ए प्लस बी। अब यहां पे ऐड हो रहा है और गेट में,
इनपुट जब दोनों ही जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो वन तो जीरो प्लस वन वन, वन जीरो वन प्लस जीरो वन, वन 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 प्लस वन वन। इसमें क्या है हमारा दोनों ही जीरो जीरो वन वन जीरो वन वन, ये हमारा ऑड गेट है। तीसरा हमारे पास है नॉट गेट, नॉट गेट। अब ये जो नॉट गेट है ये देखिए किस तरह से होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो यहां पे सिर्फ एक ही इनपुट है तो आउटपुट भी एक होगा, जीरो का वन वन का जीरो। यदि हमारा इनपुट जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट जीरो का उल्टा वन, यदि इनपुट वन है वन का उल्टा जीरो। कॉम्प्लीमेंट होता है सपोज वन का कॉम्प्लीमेंट लिखो इस जीरो और जीरो का कॉम्प्लीमेंट लिखो तो ये वन होता है हमारा। सो दिस इज द एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट और इसका ये ट्रूथ टेबल है। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है जो आप इन तीनों गेट के यूज करके और सारा गेट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इधर सो दिस इज द ऑर गेट, दिस इज एंड गेट, दिस इज नॉट गेट। अब हमारे पास जो गेट है वो है नेंड गेट, नेंड गेट। बहुत ही सिंपल, एंड प्लस नॉट कितना हो जाएगा ये मेरा नेंड। एंड प्लस नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग, नेंड। अब एंड गेट इस तरह से होता है, ए बी आउटपुट क्या होता है ए इंटू बी, और इसी आउटपुट में नॉट गेट ऐड करके ये हो गया मेरा ए इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है दिस इज द एंड प्लस नॉट इस बिकम नेंड। क्या सर्किट डायग्राम बनेगा ये देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो वन, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो कॉम्प्लीमेंट वन वन वन, वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट जीरो। मीन्स पहले दोनों को मल्टीप्लाई, जीरो इंटू जीरो जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो इंटू वन कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन इंटू जीरो जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट जीरो। दिस इज द एंड प्लस नॉट दैट इज कॉल्ड नेंड गेट। नाउ दिस इज नेंड गेट। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड नॉर गेट, नॉर गेट। क्या होता है ये नॉर गेट ये देखिए, तो नॉर गेट होता है हमारा और गेट प्लस नॉट दैट इज इक्विवेलेंट नॉर गेट, और प्लस नॉट इज बिकम नॉर गेट। नाउ दिस इज और गेट, ए बी, ए प्लस बी, ए बी, ए प्लस बी। एंड दिस इज ए नॉट गेट,
So this equivalent is A plus B complement. A plus B whole complement. Truth table is easy. A, B, A plus B complement. 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 complement 1. 0, 1, 0 plus 1, 1 complement 0. 1, 0, 1 plus 0, 1 complement 0. 1, 1, 1 plus 1 complement 0. So, क्या देख रहे हैं? जो दोनों 0 प्लस 0, 0 का कंप्लीमेंट 1, दोनों को ऐड करिए, उसका कंप्लीमेंट लेना है, तो उल्टा हो जाएगा 0 प्लस 1, 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 1 प्लस 0, 0, 1 प्लस 0, 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 1 प्लस 1, 0. बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस 1 आप लोग 2 मत बोलिएगा, क्योंकि ये लॉजिक गेट्स है और यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन चल रहा है, तो 1 प्लस 1 10 होता है, 0 1 होता है, राइट, कैरी. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड नॉट गेट. और अब जो क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बेस्ड एक और होता है एक्सॉर्ड गेट. बहुत सारे गेट बन सकते हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ, कॉम्बिनेशन लगाते जाएंगे तो बहुत सारे गेट बनेंगे, लेकिन जो आप लोगों को पढ़ना है वो इतना से शायद काम चल जाएगा. और मैं अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये नैंड गेट हमारा नॉट गेट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है. जो ये नॉट नैंड गेट है हमारा, वो नॉट गेट. सपोज आपको क्वेश्चन दे देगा, राइट द ट्रुथ टेबल, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ, इस तरह से कोई गेट्स बना देंगे आपको. और यहां पे इनपुट लगा दिया. इस इनपुट ए है हमारे पास और ये हमारा आउटपुट वाई. अब ध्यान दीजिए, ये नैंड गेट की तरह तो लग रहा है देखने में, लेकिन बेसिकली ये नैंड गेट है. नैंड गेट इज द नॉट गेट ही है ये. जब ए इनपुट है तो यहां पे भी ए, यहां पे भी ए. सपोज मेरा इनपुट इस तरह से है, ये ए और आउटपुट हमारा वाई इक्वल टू. तो यदि मैं ये जीरो ले लूं तो यहां पे भी इक्वल टू जीरो, यहां पे भी इक्वल टू जीरो. सो जीरो और इसका कंप्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो का वन. और यदि मैं यहां पे वन ले लूं इक्वल टू वन, तो यहां पे भी क्या होगा वन और यहां पे भी वन. सो वन, वन का कंप्लीमेंट जीरो. मतलब एक ही इनपुट है, तो जो इनपुट यहां रहेगा वही इनपुट यहां पे रहेगा. तो जीरो जब इनपुट रहा तो वन, और वन जो रहा जीरो. तो ये क्या है हमारा नॉट गेट इज इक्विवेलेंट टू ए नैंड गेट है ये हमारा. ऐसे इस तरह का बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट में कैसा यूज हो सकता है इसका. अब दूसरा, ये इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वन सेकेंड, सपोज इस तरह से सर्किट हो, ऐसा दे दिया हमने और इसको नॉर गेट लगा दिया, और यहां से फिर मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, और अब मैं पूछ रहा हूं इसका आउटपुट कितना होगा. तब ध्यान दीजिए, ए बी ये दोनों इनपुट जब जाएंगे और मेन और में, तो क्या होगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. क्या होगा ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. और जब यहां आएगा तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट ए प्लस बी. कितना हो जाएगा आंसर ए प्लस बी. दिस इज द सेकेंड. थर्ड इज, थर्ड जो हमारे पास है वो इस तरह से, दिस इज द ए, दिस इज द बी. अब ये दोनों यहां से गए और ये इस तरह से नॉट गेट में चले जाएंगे, और इसका आउटपुट बताना है अपने को. तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट बी क्योंकि नॉट गेट से जा रहा है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ए
प्लस कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी और ये फिर कॉम्प्लीमेंट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू बी, दैट इज व्हाट आउटपुट। ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू आउटपुट। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए इंटू बी, क्या हो जाता है ये ए इंटू बी। सपोज आपको इतना सिंपल क्वेश्चन दे दे, इस तरह से आउटपुट पूछे आपको, जो हमारे पास ये एंड गेट है, दिस इज एंड गेट ए इंटू बी, और इसको हम एक नॉट गेट से इस तरह से कनेक्टेड करते हैं। ये हमारा एंड गेट और ये हमारा नॉट गेट। बोलेगा क्या आउटपुट होगा यहां पे, वाई इक्वल टू, अब देखिए ये ए और बी है तो क्या होगा इसका ए इंटू बी, और ये वाई क्या होगा इसका ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। इजी कुछ है इसमें, इसी तरह से आपको नॉट गेट में दे देगा, ये हमारा ए और ये हमारा बी और ये हमारा नॉट गेट, तो ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब बोलिएगा यहां और यहां में अंतर क्या है, तो ये देखो इधर कॉम्प्लीमेंट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट था तो ए इंटू बी, और यहां पे ए प्लस बी पे पूरा का कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए प्लस बी हो गया। ये हमारा लॉजिक गेट से इस तरह से आपको पूछ सकता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट। हो सकता है तो आपको ये भी बोल दे टू ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल। सो थैंक यू सो मच।